सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भी इक्यो लाइटिंग लिमिटेड को लेकर। इक्यो लाइटिंग में आप लोग देखोगे भी एक बिग फॉल आज के दिन हमें देखने को मिला है, जो कि 6% के करीब अभी के टाइम है। स्टॉक ने फ्रेश बाउंड वीक लो आज के दिन बनाया है, ठीक है। तो स्टॉक में कंटिन्यूसली फॉल बन रहा है। अभी आप लोग देखोगे एक फ्रेश बाउंड वीक लो पर आ गया, स्टॉक बाउंड वीक लो क्रिएट किया है। तो इसके पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है, आप लोग देखोगे पीछे इसके रिजल्ट्स आए थे अभी क्वार्टर फोर के। उन रिजल्ट्स के ऊपर मैंने वीडियो डाला था और आपको क्लियर बताया था कि भी मंडे के दिन स्टॉक में एक बिग फॉल बन सकता है, बिकॉज मार्केट क्लोजिंग के बाद इसके रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, जब मार्केट बंद है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो सीधे तौर पर हमें कल के दिन देखने को मंडे के दिन देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग देखोगे भी आज 268 तक नीचे में आया, अभी के टाइम 272 के आसपास है, 279 का इसने हाई भी बनाया है। तो ऊपर से तो स्टॉक देखो भी बहुत ज़्यादा फिसला है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के बदौलत है। और स्टॉक अपने हाई से आप लोग देखोगे काफ़ी टाइम से कंटिन्यूसली फिसल ही रहा है भाई, ठीक है। तो ये गिरावट देखो भाई, जिन्होंने लगाया पैसा कब, इसके IPO के अंदर लगाया या फिर उससे पहले उसके बाद में लगाया है, उन्होंने यहाँ पर नुकसान ही खाया। आप लोग देखो रिवेन्यू है, रिवेन्यू लगातार टूट रहा है। अभी पिछले तीसरा क्वार्टर ये जहाँ पर रिवेन्यू टूटा है। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से आप लोग प्रीवियस क्वार्टरों से कंपेयर करोगे, वहाँ से भी रिवेन्यू फिसले हैं, देख सकते हो यहाँ पर। तो रिवेन्यू के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। उसके बाद देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वगैरह हैं, ये सब कुछ फिसलते हुए नजर आए हैं भाई। और यहाँ पर आपके सामने भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ फिसले हैं। इसके अलावा आप लोग देखो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उससे भी डाउन गया है, जिसके चलते ये स्टॉक के ऊपर दबाव हमें देखने को मिला है भाई। नेट प्रॉफिट आप लोग देखोगे भी प्रीवियस में 19 करोड़ था, 19 करोड़ से 9.5 करोड़ पर, यानी कि 50% प्रॉफिट इसका क्वार्टर दर क्वार्टर फिसले हैं। ईयर दर ईयर आप लोग देखो यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इसके प्रॉफिट्स में काफ़ी बड़ा डिक्लाइन है। तो ये कारण रहे अभी स्टॉक के ऊपर आज के दिन के ये बड़ी क्रैक्शन के। तो चलिए एक बार इसका चार्ट देख लेते भी कहाँ पर क्या सपोर्ट आगे के लिए बन सकते हैं या फिर नहीं। तो जैसा कि आप लोग देखोगे भी स्टॉक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट किया हुआ था ना, अभी टाइम क्या किया इसने, इसे जो 279 का लेवल था इसके नीचे में स्टॉक की ओपनिंग आई है, इसके आसपास स्टॉक आया, फिर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो स्टॉक हमें फिसलते हुए नजर आया, ये रिजल्ट्स के कारण है भाई, ठीक है। यहाँ पर देखो कि अभी के टाइम नीचे से कोई चार्ट तो इसका अवेलेबल नहीं है, पीछे के हिसाब से इसका लेवल यहाँ पर हम लेके चल सके। तो 250 के आसपास का सपोर्ट ठीक रहेगा अभी इलेक्शन रिजल्ट से पहले। तो इलेक्शन रिजल्ट से पहले अगर आपकी होल्डिंग आपने खरीदारी की हुई है, नुकसान आपको हुआ है, तो भी देखो 250 ये सपोर्ट के तौर पर आप लोग पकड़ सकते हो लेवल। और नीचे अगर स्टॉक इसी लेवल तक जाता है तो इलेक्शन अगर करंट गवर्नमेंट के फेवर में जाएंगे तो उस कंडीशन में पूरे मार्केट में रैली बन सकती है। तो क्या पता है स्टॉक में भी वहां से रिकवरी बन पाए और वहां से आपको जो है 10-15% के लिए एक अच्छा खासा नीचे के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद। देखो भाई पहले तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है, अभी रिजल्ट्स खराब आए हैं, इसका असर हमें एक दो दिन देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखते भी थोड़े बहुत अगर पॉजिटिव मोमेंटम बनते हैं, कोई खबरें आती हैं तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है। यहाँ से अगर स्टॉक के ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करें, 279 का रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक अगर सस्टेन करता है तो चांसेस के रहेंगे भी 300 रुपये के आसपास जो है कंसोलिडेट करने के। और बाकी जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हो। अभी टाइम तो नीचे में सपोर्ट रहेगा 250 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।